दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप बेकार पड़ोसी को सबक कैसे सिखाएंगे। जी हां, यहां पर अगर आपका पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो आपका पूरा जीवन यहां पर सुखमय बीतता है, लेकिन अगर पड़ोसी बेकार हो, उसका चरित्र सही नहीं हो, उसका हरकत सही नहीं हो, तो फिर आपका पूरा जीवन लड़ते झगड़ते बीत जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप पड़ोसी से परेशान हैं तो फिर आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहां पर अगर आपका पड़ोसी आए दिन कोई ना कोई गलत हरकत करता है, आपके घर के बाहर जानबूझकर अपना गाड़ी पार्क कर देता है जिससे कि आप परेशान हो, या फिर अपना कुत्ता जो है आपके घर के बाहर छोड़ देता है जिससे कि आप परेशान हो, या फिर आपके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं और वह जोर जोर से यहाँ पर डीजे बजाने लगता है, गाना बजाने लगता है, सुबह में आपका नींद तोड़ देता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि नींद यहाँ पर लेना सभी लोगों का मौलिक अधिकार है। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह क्लियर किया है कि नींद लेना यहाँ पर सभी का मौलिक अधिकार है, और अगर किसी के नींद में कोई बाधा बनता है तो यह कानूनन अपराध है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर पड़ोसी इस तरह का हरकत आए दिन करता है और अगर आप परेशान हैं तो आपको कंप्लेन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सबूत जुटा लें। अगर आपके पास सबूत रहेगा तो फिर जब आप कंप्लेन करेंगे तो यहाँ पर जिस भी अधिकारी के पास उसका कंप्लेन जाएगा, फिर यहाँ पर उन्हें नहीं चाहते हुए भी कार्रवाई करनी होगी, वे सुस्ती नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप सबूत जुटा लें। आप सबूत वीडियो बनाकर जुटा सकते हैं, और अगर वीडियो बनाना संभव नहीं है तो आप अपने घर के बाहर यहाँ पर कैमरा लगा दें। यहाँ पर ऐसे भी अगर घर के बाहर कैमरा रहेगा तो आप यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर कई सारे कैमरा ऐसे आते हैं जो कि हिडन कैमरा होते हैं, जैसे कि कई सारे कैमरा ऐसे होते हैं कि आपके पास पेन है और पेन में ही कैमरा होता है, आपका जो चाबी रिंग है उसी में कैमरा होता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप पहले सबूत जुटा लें, और फिर जब सबूत हो जाए तो एक सादे कागज़ लें और उस सादे कागज़ पर आप अपने कंप्लेन को डिटेल में लिखें, और जो भी सबूत है आप साथ में वह भी लगाएं। अगर वीडियो है तो आप CD के फॉर्म में या फिर पेन ड्राइव में लगा कर अपने एरिया के SDM कोर्ट में ले जाकर उसे दे दें। तो यहाँ पर जब SDM साहब के पास कंप्लेन जाता है तो जो यहाँ पर लोकल थाना होता है, जो आपके एरिया का थाना होता है, उस थाने में वे कंप्लेन को भेजते हैं, और फिर जब यहाँ पर थाने में कंप्लेन जाता है तो फिर यहाँ पर पुलिस आकर आपके पड़ोसी से पूछताछ करती है, मामले की तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर उसके ऊपर FIR तक दर्ज हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने पड़ोसी की कंप्लेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर SDM से कंप्लेन करना है और कोशिश करना है कि आप यहाँ पर सबूत जुटा लें। और अगर SDM से कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आप वकील से मिलकर सीधे कोर्ट में उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप SDM से कंप्लेन करेंगे तो निश्चित ही कार्रवाई होगी, और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हो तो आप ऑफिस में जाकर अपने कंप्लेन को देते हैं। तो आपके पास एक और विकल्प है कि आप सादे कागज़ में जो लिखते हैं उसे SDM ऑफिस के रजिस्टर एड्रेस पर बाय स्पीड पोस्ट भेज दें, ताकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड हो जाए, एक प्रूफ हो जाए, और फिर अगर वे कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप RTI लगाकर भी उनसे जान सकते हैं कि जब आपने कंप्लेन किया तो आपके कंप्लेन पर आखिर क्या कार्रवाई हुआ। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी पड़ोसी यहाँ पर आए दिन आपको परेशान करे, जोर जोर से गाना बजाए, यहाँ पर रोड पर ही कोई कंस्ट्रक्शन करने लगे जिससे कि आपके आने जाने में यहाँ पर दिक्कत हो, अपना कुत्ता आपके पास छोड़ दे, तो यहाँ सारा चीज़ संगीन अपराध के श्रेणी में आता है, तो आपको ज़रूर कंप्लेन करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर रोहित जरनेम है, Prithesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।